नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमन वर्मा। चलिए नजर डालते हैं व्यापार से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। बांदा सदर में भाजपा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परिवर्तन यात्रा निकाली, जिसका स्वागत हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं बीजेपी की जन सेविका प्रभा गुप्ता ने परिवर्तन यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के प्यार और मोदी जी के देश के प्रति स्नेह से मैं प्रभावित हूं। साथ ही प्रभा ने मुख्य अतिथि के रूप में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का जबरदस्त स्वागत किया। नोटबंदी के चलते वैश्विक बाजारों में सोना 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। सोने के दाम में लगातार गिरावट के चलते सोना 500 रुपए टूटकर 27,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। बाबा रामदेव अब पूरी तरह से पतंजलि स्टोर्स को कैशलेस के लिए तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 5 बैंकों से बातचीत कर पतंजलि के सभी स्टोर्स को लिंक करने के लिए कहा है, ताकि ग्राहक के लिए कार्ड, वॉलेट और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो सके। एयरपोर्ट पर जाने के लिए जो जरूरी कागजी कार्रवाई होती है, उसे जल्द ही अंगूठे की मदद से पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा प्लेन में बैठने और उड़ान भरने के लिए भी आपको किसी कागजी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जल्द एयरपोर्ट पर बायोमीट्रिक स्क्रीनिंग की योजना बना रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 9 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 88.72 करोड़ डॉलर घटकर 362.98 अरब डॉलर रह गया, जिसके कारण विदेशी मुद्रा अस्थियों में गिरावट आ गई है। सरकार ने एक नया फैसला लेते हुए कहा है कि अगर कोई अपने बैंक अकाउंट में अवैध करार दिए गए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के जरिए महज 2,00,000 रुपए भी जमा कराता है, तो वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के घेरे में आ सकता है। यूपी सरकार ने नोएडा अथॉरिटी जैसी एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे बिल्डर और खरीदार के बीच खोले जाने वाले एक्स्ट्रो अकाउंट में पार्टी बने। सरकार के इस फैसले से नोएडा और गाजियाबाद में फ्लैट खरीदने वाले लोगों के लिए ये एक राहत भरी खबर होगी। राज्य सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि घर खरीदने वालों को यह भरोसा हो कि उनका निवेश सुरक्षित है। नोटबंदी के बाद बैंकों में हुए संदिग्ध डिपॉजिट पर आयकर विभाग ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ डिपार्टमेंट ने करीब 3,000 लोगों को नोटिस भेजकर उनके खातों में जमा रकम की डिटेल पूछी है। डिपार्टमेंट की ओर से की गई छापेमारी में अब तक करीब 393 करोड़ रुपए की कीमत के कैश और ज्वेलरी जब्त की गई है। नोटबंदी के 40 दिनों बाद भी कृषि की थोक कीमतों पर असर बना हुआ है। मंडियों में कारोबार धीरे धीरे पटरी पर तो लौटने लगा है, लेकिन प्रमुख कॉमोडिटीज की कीमतें अब भी 40% तक नीचे हैं। इन्हीं के चलते नवंबर माह में थोक महंगाई 2 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। नोटबंदी के बाद टीयर 2 और टीयर 3 रूरल एरिया में फाइनेंस का काम करने वाली कंपनियों की हालत काफी खराब हो गई है। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन रमन अग्रवाल ने बताया कि नोटबंदी के कारण कई छोटे कारोबारियों और MSMI के कैश फ्लो साइकिल पर असर पड़ा है। मेरे साथ वैश्य व्यापार न्यूज में फिलहाल इतना ही। व्यापार से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहें वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।